वेलकम बैक एवरी वन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। आज हम ओप्पो A9 2020 की दोबारा से अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, क्योंकि ओप्पो इस दफा यार कोई ना कोई एक ऐसा कलर लॉन्च करता है जो कि बाद में लॉन्च किया जाता है। जैसे कि आपने इससे पहले देखा कि हमने रिनर 2F का जो नेब्यूला ग्रीन कलर है उसको अनबॉक्स किया, ये भी कुछ टाइम के बाद लॉन्च किया गया। इसी तरह आज हम जो कलर अनबॉक्स करेंगे वो है वनीला मिंट कलर। ये भी जब ओप्पो A9 2020 लॉन्च किया गया था तो उस वक्त लॉन्च नहीं हुआ था। इससे पहले आपको A9 20 के अंदर पर्पल और ग्रीन कलर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप फीडबैक पूछेंगे कलर के हवाले से तो मैंने जैसे ही इसको अनबॉक्स किया था यार बहुत ही ऑसम कलर है, लाइट टोन है, तो जिन लोगों को जरा लाइट टोन कलर पसंद होते हैं उनके लिए फोन बिल्कुल बेस्ट चॉइस है। अब अगर मैं रैंक करूं फोन्स को तो पहले मुझे ग्रीन अच्छा लगता था, बट जब से ये मैंने देखा तो ये सबसे अच्छा लगता है मुझे नंबर 1 के ऊपर। उसके बाद ग्रीन है और उसके बाद स्पेस फॉरवर्ड कलर है A9 2020 के अंदर। बाकी फोन के हवाले से मैं कुछ मिसकंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि लोग समझते हैं कि शायद A9 2020 जो है वो स्क्रैच लेस फोन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर आपके जो स्क्रैचेस है बॉडी के अंदर वो जरूर आएंगे अगर आप इसको बचाएंगे नहीं। इसी तरह वाटर प्रूफ या वाटर रेजिडेंट भी नहीं है, तो अगर आप इसको पानी के अंदर जाकर यूज करेंगे या इस पे पानी लग जाएगा तो डेफिनेटली आपका फोन डैमेज हो जाएगा। इसी तरह इसकी बैटरी आपको पता है कि 5000 mAh की है, बट इसके अंदर जो वूक चार्जिंग की सपोर्ट है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपकी जो बैटरी है वो एक नॉर्मल टाइम में चार्ज होगी और 5000 mAh की बैटरी आपका काफी ज्यादा टाइम लेने वाली है। और A9 20 के अंदर गुड न्यूज ये है कि इसकी जो प्राइस है वो भी थोड़ी सी कम कर दी गई है। बाकी एक चीज आप नोट करते चलेंगे, यहाँ पे इसकी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो 720 देखने को मिलेगी, तो इससे लोग समझते हैं कि पता नहीं फोन बिल्कुल ही खराब बना दिया गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फोन के अंदर प्रोसेसर काफी अच्छा है, ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस काफी बैलेंस्ड हैं, और जब से प्राइस रिड्यूस हुई है तो थोड़े से ज्यादा ही जस्टिफाइबल हो गई हैं। तो अगर आप थोड़े से डाउटफुल हैं तो आप जाके इसको एक्सपीरियंस करके देखें मार्केट में कि 720 पिक्सल्स आपको सपोर्ट करती है या नहीं करती। और वैसे भी अगर आप 1080p के यूजर नहीं है, आप 720 की सेटिंग्स पर ही फोन यूज करते हैं, तो फिर तो आपका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप 1080p के ऊपर जाके फोन यूज करते हैं और आप उससे यूज्ड टू हैं तो डेफिनेटली फिर आपको 720p जब आप यूज करेंगे तो डिफरेंस फील होगा। मजीद टाइम वेस्ट के बगैर आधे या मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं वनीला मिंट कलर A9 2020 की, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चलें चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। आज हम A9 2020 के एक न्यू कलर वनीला मिंट को अनबॉक्स करने जा रहे हैं। अगर आप बॉक्स के बैक साइड पे देखें तो आपको इसकी की हाइलाइट्स देखने को मिल जाएंगी। तो हम जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका जो वनीला मिंट कलर है वो कैसा होने वाला है। इससे पहले आपको ग्रीन और स्पेस पर्पल कलर देखने को मिल गए, उनको भी हमने अनबॉक्स किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हैं नीचे आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको क्रिस्टल क्लियर TPU देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको क्विक गाइड देखने को मिलती है और आपको एक वारंटी कार्ड का जो है वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप फ़ोन की वारंटी ऑनलाइन एक्टिव करने के बाद फिल करेंगे। उसके साथ साथ सिम इंजेक्टर टूल है। नीचे आपको डिवाइस देखने को मिल रही है, उससे नीचे आपको इसकी एसेसरीज देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल 2 एम्पेयर का चार्जर देखने को मिलता है जो कि टाइप सी को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर या वूक चार्जर देखने को नहीं मिलता। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको हैंड फ्री भी देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मली आपको ओप्पो के फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो आप देख सकते हैं जो केबल है वो टाइप सी की सपोर्ट के साथ है। इस तरह अगर हम डिवाइस को देखें तो ऊपर आपको की हाइलाइट्स, 48 MP कैमरा और फर्दर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हम जल्दी से रैप रिमूव करते हैं और देखते हैं इसका जो वनीला मिंट कलर है वो कैसा होने वाला है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ ताकि उस दौरान हम इसका कलर एक्सप्लोर कर सकें और चेक कर सकें कि कलर कैसा है। तो मैं स्टिकर रिमूव कर देता हूँ IMI। अब देख सकते हैं काफ़ी लाइट टोन कलर है और ऊपर से वाइट है, नीचे से स्काई ब्लू या आप कह लें कि सी ब्लू लाइट टोन के साथ है। बहुत ही ऑसम कलर लग रहा है मुझे, और ग्रीन और अगर पर्पल से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। कैमरा की जो साइड्स हैं वो भी आपको सिल्वर कलर की देखने को मिल जाती हैं, जो कि इसके साथ काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन बना रही हैं। फ़ोन की अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें तो आपको 8GB रैम, 128GB मेमोरी देखने को मिलती है। बैक पे आपको 4 कैमरा सेटअप है, 48MP प्लस 8MP प्लस 2+2। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16MP है फ्रंट कैमरा, और अगर स्क्रीन की रेजोल्यूशन की बात करें तो 720x1600 pixel की स्क्रीन रेजोल्यूशन है, जो कि 269 PPI को सपोर्ट करती है। 6.5 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि IPS LCD है। यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। और अगर हम सिम ट्रे को भी निकाल के देखें इंजेक्टर टूल के साथ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको SIM1 प्लस SIM2 प्लस मेमोरी कार्ड ट्रिपल स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस फुल करके देखूँ तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और अगर आप यूज़ करके देखोगे तो काफ़ी आपको ये अच्छा फील होगा कि यार शायद मैं 1080 ही चला रहा हूँ। बट अगर आप इसके YouTube पे जाके सेटिंग करेंगे और 1080p पे क्लिक करेंगे तो वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 720 है। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो भी 665 स्नैपड्रैगन यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और फ़ोन का जो रिस्पॉन्स है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्विक है।
अगर हम इसका कैमरा टेस्ट आउट कर लें तो बैक कैमरा मैंने आपको बताया कि 48 मेगापिक्सल का है। हम पिक्चर क्लिक करके देखते हैं कि इसकी जो रिज़ल्ट है वो कैसा आता है। और ये लाइव मैंने एक पिक्चर क्लिक की है, कुछ इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आप एग्री करें तो काफ़ी डिटेल शॉट लेता है और बैक कैमरा काफ़ी इसका बेहतर परफॉर्म कर देता है। इस तरह इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस भी गिवन है बैक पे, जो कि 8 मेगापिक्सल के साथ आता है, ये भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बट अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो क्लिक करने के बाद थोड़ी सी डाउन हो जाती है। इस तरह इसके अंदर आपको बिल्ट इन फिल्टर्स भी गिवन है, पोर्ट्रेट मोड भी गिवन है और LED फ्लैश लाइट भी आपको गिवन है, वो भी हम आगे चल के देखते हैं। पोर्ट्रेट मोड को अगर हम क्लिक करें तो आपको मैं एक पिक्चर क्लिक करके दिखाता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्लिक की गई है और थोड़ी सी लोडिंग लेगा फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि इसके जो कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो होना बाकी होती है। आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट मोड काफ़ी बेहतर काम कर रहा है, फोटो मोड है, वीडियो मोड है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी गिवन है। वीडियो के अगर हम सेटिंग्स जाकर देखें तो इसके अंदर आपको 1080, 720 और 4K की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको नॉर्मली 4K की सपोर्ट ओप्पो के हर फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलती। नाइट शॉट भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपका जो पिक्चर की लाइट है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी अगर आप इसको क्लिक करते हैं। इसी तरह इसके अंदर आपको 10x का जो डिजिटल जूम है वो भी देखने को मिल जाता है। डिजिटल जूम बस आप कह लेंगे एक नाम का ही है, क्योंकि जब आप जूम करते हैं तो पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी जो है वो ख़राब हो जाती है। ऑप्टिकल जूम में पिक्चर की क्वालिटी तो ख़राब नहीं होती, बट डिजिटल जूम में तो डेफिनेटली हो जाती है। तो एटलीस्ट आपको 4x की जगह पर 10x का जो जूम है वो देखने को मिल जाता है। पुराने जो फ़ोन थे वहाँ पर आपको 4x से ज़्यादा जूम देखने को नहीं मिलता था। ये बिल्ट इन फिल्टर्स है, इसके अंदर 10 टाइप्स के फिल्टर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। डेजल मोड आप ऑन कर सकते हैं, फिल लाइट यानी कि अगर आप फ्लैश लाइट ऑन रखना चाहें या ऑटो मोड में रखना चाहें ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस है। और अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसके अगर हम पिक्चर क्लिक करके देखें तो ये भी काफ़ी डिटेल शॉट लेता है, और अगर आप इसकी लाइटिंग बेहतर करेंगे मज़ीद तो ये पिक्चर की क्वालिटी मज़ीद बेहतर कर देगा। इस तरह इसके अंदर आपको फ्रंट पे जो पोर्ट्रेट मोड की बना है वो भी मैंने क्लिक करके आपको चेक करवाया है, काफ़ी डिटेल शॉट है। और आप देख सकते हैं इसके जो साइड्स हैं काफ़ी क्लियर हैं और ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी बेहतर है। ब्यूटी मोड भी आपको AI गिवन है इसके अंदर फ्रंट कैमरा के साथ, जो कि इसके फ्रंट कैमरा की जो स्पेसिफिकेशन है उसको काफ़ी बेहतर कर देता है। इसकी फर्दर जो सेटिंग्स हैं अगर आप वीडियो के देखें तो फ्रंट पे आपको 4K की सपोर्ट नहीं मिलती, बल्कि 720x1080 की सपोर्ट ही देखने को मिलती है। इस तरह इसके अंदर पैनोरामा मोड है, स्टिकर मोड है जो कि आप यूज़ करके देख सकते हैं और टाइम लैप्स की भी शूट कर सकते हैं। तो फ्रंट कैमरा भी जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल जो डिवाइस है A920 इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिले, बट वुक चार्जिंग की सपोर्ट और जो 720 पिक्सल स्क्रीन के अंदर ऐड कर दिए गए, इससे जो है यूज़र्स ने थोड़ा सा देखा कि यार ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। 48 मेगापिक्सल जो कि बैक पे गिवन है, इसका आपको मोड ऑन करना पड़ता है स्पेशली, ये मैं आपको चेक करवाना भूल गया था अभी। अगर आप देखें तो मैंने ये 48 मेगापिक्सल में पिक्चर क्लिक की है तो ये भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती है। सिक्योरिटी के हवाले से इसके अंदर आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट लॉक गिवन है। इसको इनेबल करने के लिए आप सेटिंग्स में जाएंगे, फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड में। सबसे पहले आप अपना पासवर्ड एंड करेंगे, उसके बाद आप स्क्रीन लॉक ऐड कर सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट लॉक ऐड कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही अपना पासवर्ड सेट किया है तो आप देख सकते हैं कि ये फिंगर की जो इनरोलमेंट है बहुत ही फास्ट कर रहा है। काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन हैं जो कि फिंगर की इनरोलमेंट बहुत स्लो करते हैं और वहाँ पे बंदा अपनी फिंगर को लगाता ही रह जाता है, बट फिंगरप्रिंट इनरोल नहीं होती। तो इसकी स्पीड, इसकी इनरोलमेंट बहुत ही बेहतर है। ओप्पो के पुराने फ़ोन में भी काफ़ी बेहतर है, बट इसके अंदर जो है आपको मज़ीद इसके अंदर बेहतरी देखने को मिल जाती है। फेस अनलॉक हम देखते हैं इसका कैसा परफॉर्म करता है। मैं इनरोल फेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये भी मेरे फेस को बहुत अच्छा रीड कर रहा है। अक्सर ऐसे फ़ोन हैं कि जो फेस मेरा रीड नहीं करते, उनका फेस पे कोई ना कोई स्लोनेस इशू होता है या उसका सॉफ्टवेयर सही नहीं होता या वो डिटेक्शन सही नहीं करता। तो अगर आप फेस की स्पीड भी चेक करें वो भी काफ़ी बेहतर है और फेस अनलॉकिंग भी काफ़ी बेहतर है, तो ओप्पो का जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो कैसा लगा आपको A920? अगर आप में से कोई यूज़ कर रहे हैं अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें। आपको कलर कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा इस वाले से भी कमेंट ज़रूर करें। जी तो कैसा लगा आपको A920 का ये जो वाइट एडिशन है या आप कह लें कि वनीला मिंट एडिशन है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी अपनी फीडबैक आप ज़रूर दें। अगर आप में से कोई यूज़ कर रहा है A920, आपका ओवरऑल फ़ोन का एक्सपीरियंस गेमिंग, कॉलिंग और जितना भी यूज़ होता है वो कैसा जा रहा है, नीचे का कमेंट ज़रूर करें। अगर आप करना चाहते हैं हमसे लाइव चैट तो हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर आगे हमसे बात कर सकते हैं या फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक्स भी सेम नाम से हैं और इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप A920 का पर्पल कलर या ग्रीन कलर देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।